आज हम बनाएंगे एकदम बाजार जैसे क्रिस्पी करारे प्याज के भजिए। हर तरफ बरसात शुरू हो गई है और इस रिमझिम बरसात में आप गर्मा गर्म इन भजियों को बनाकर खा लीजिए और साथ में एक कप चाय पी लीजिए, बरसात का मजा दोगुना हो जाएगा। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीएम रसोई में। भजिए बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 प्याज ली है। प्याजों को मैंने छील कर धो लिया है और इसके ऊपर और नीचे के पार्ट को कट कर दिया है। अब इसे हम 2 पीसेस में कट कर लेते हैं और इसका जो रूट वाला हिस्सा है इसे निकाल देते हैं। इस तरह रूट वाला हिस्सा जब निकल जाता है तो प्याज के लच्छे बहुत ही अच्छे से निकलते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसके रूट वाले हिस्से को निकाल दिया है। अब इसे हम स्लाइस में काट लेते हैं। तो इसके हमें बहुत पतली स्लाइस नहीं रखनी है, हल्की सी मोटी ही रखनी है, तभी जो हमारे भजिए हैं बहुत ही बढ़िया बनेंगे। और ये लीजिए, यहाँ पे मैंने सारी प्याज को काट कर रख लिया है। इसे हम पलट देते हैं मिक्सिंग बाउल में। तो ये लीजिए, मैंने इसे मिक्सिंग बाउल में पलट दिया है। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच के करीब हल्दी डाल दी है, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिया है और 1 छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हल्का सा हाथों से क्रश कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और ये डाइजेशन में भी हेल्प करती है। 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाला है। गरम मसाला बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आप स्किप भी कर सकती हो। 1 छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाल दिया है और 3 पिंच के करीब हींग डाली है। 2 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट के डाल दिया है, तीखा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब सभी मसालों को हमें हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसके लच्छों को भी अलग करते रहना है। इस तरह से हम जब मसालों को मिक्स करते हैं तो ये प्याज में बहुत ही अच्छी तरह से कोट हो जाता है। तो मसाले सारे कोट हो चुके हैं, तो अब इसमें हम नमक डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच नमक डाला है। नमक आप ध्यान से डालिएगा क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। अब नमक को भी अच्छी तरह से प्याज में मिक्स करना है। और ये लीजिए, नमक भी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं ताकि जो प्याज है अपना पानी रिलीज करे। इस तरह से जब हम प्याज में नमक डालकर रख देते हैं ना, तो प्याज अपना पानी छोड़ देती है, फिर हमें भजियों में पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो हमारी भजियाँ हैं बहुत ही टेस्टी बनती हैं। और ये देखिए, इसमें पानी छोड़ दिया है, तो अब इसमें हम बेसन डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है। तो बेसन हमें एक साथ नहीं डालना है, पहले मैं इसमें 4 चम्मच के करीब बेसन डाल देती हूँ, फिर ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें बेसन और डालेंगे। तो अब इसे हम हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी हमें इसमें नहीं डालना है, बिना पानी के इसे हमें मिक्स करना है। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो जाता है। और ये देखिए, ये धीरे धीरे मिक्स होना शुरू हो गया है और इसमें मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और ये लीजिए, अच्छे से प्याज मिक्स हो चुकी है और मुझे इसमें पानी और बेसन कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हुआ है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए, जब हम इसे बाइंड कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छे से बाइंड हो रहा है। बस इसी तरह का हमें इसे बनाना है। यदि आपको यहाँ पे बेसन कम लगे तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। यदि आपका बैटर गाढ़ा हो जाता है तो आप 1-2 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं। धनिया की पत्ती डाल दी है और इसे भी मिला दिया है। अब चलिए इससे हम भजिए बनाते हैं। तो गैस पे मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल बढ़िया सा गर्म हो चुका है, तब इसमें हम भजियों को फ्राई करेंगे। तो पहले मैं इसमें थोड़ा सा टुकड़ा डाल के देख लेती हूँ कि तेल गर्म है या नहीं। और ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट तेल गर्म है। जैसे ही मैंने इसमें भजिया डाला वो ऊपर आ गई। तो अब हम इसमें भजिए डालते हैं। तो हमें बैटर को उंगलियों से हल्का सा, ये देखिए, इस तरह से चपटा करना है ताकि इसका शेप बिल्कुल बाजार जैसे आए। तो बस इसी तरह से हम जितनी भजिए तेल में आ जाएँ उतनी डाल देंगे। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम करनी है। हाई फ्लेम पे मत फ्राई कीजिएगा, नहीं तो भजिए जो है ऊपर से पक जाएंगी और अंदर कच्ची रहेंगी। इन्हें डालने के बाद हमें 2 मिनट तक टच नहीं करना है। ये जब एक तरफ से फ्राई हो जाएं तब इसकी साइड को हमें चेंज करना है। और ये देखिए, एक तरफ से पकना शुरू हो गई हैं, तो इसकी साइड को हम चेंज कर देते हैं और इसे हम उलटाते पलटाते हुए दोनों तरफ क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। जब तक ये क्रिस्पी ना हो तब तक आप इन्हें फ्राई कीजिएगा। और ये देखिए, बढ़िया सी क्रिस्पी हो गई हैं, तो अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो मैं इसे एक छलनी में डाल देती हूँ ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। तो ये लीजिए, मैंने इसे छलनी में निकाल लिया है।
और ये देखिए देखने से ही पता चल रहा है कि भजिए कितनी क्रिस्पी बनी है। तो बस इसी तरह से हम दूसरे बैच की भजियों को भी फ्राई करेंगे। और ये लीजिए यहाँ पे मैंने इन्हें सर्व कर लिया है और ये देखिए कितनी क्रिस्पी करारी बनी हुई हैं, आपको सर्व करने से ही पता चल रहा होगा। और इसके साथ मैंने धनिया की चटनी और टमाटर केचप रखा है, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकॉन की बटन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलती हूँ इसी तरह की एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।